हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता लोहार मेरे चैनल ऑन माय चूल्हा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं ये टेस्टी रेड वेलवेट केक। ये बहुत इजी है बनाना और इसे हम बनाएंगे बिना क्रीम के। मतलब आप जो भी इसमें सजावट देख रहे हैं ये बिना क्रीम का हमारे घर की मलाई से की हुई सजावट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना और देखते हैं ये टेस्टी केक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें रखेंगे हम एक छन्नी और हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट पहले उसमें छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप मैदा ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोको पाउडर। सभी को हम अच्छे से इसमें छान लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो यहाँ मैंने 2/3 कप पाउडर शुगर लिया है, उसे भी हम इसमें अच्छे से छान कर डाल देंगे। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से स्पैटुला से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर लिक्विड बना रहे हैं जिससे हम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप फ्रेश कर्ड लिया है, दही लिया है, उसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। दही बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। अनफ्लेवर्ड ऑयल ही डालें आप इसमें। इसे भी हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस और साथ में ही हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे विनेगर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क। अभी मैंने सिर्फ 1/2 कप का 1/2 डाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं रेड कलर। यहाँ पर मेरे पास ड्राई रेड कलर थे तो मैंने उसे पानी में डालकर लिक्विड बनाकर फिर इसमें ऐड किया है। यहाँ पर आप लिक्विड या जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ज़्यादा रेड नहीं है तो आप थोड़ा और रेड कलर ऐड कर सकते हैं। तो बचा हुआ जो 1/2 कप दूध रखा था, 1/2 कप का 1/2 कप, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर दूध और आगे यूज़ होता है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो अब ये जो हमने लिक्विड बनाया है हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट में मिक्स करके इसका एक अच्छा सा केक का बैटर रेडी कर लेंगे। तो डालते जाइए और मिक्स करते जाइए आप। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, फिर भी हमारा बैटर सूखा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा और दूध ऐड कर लेंगे। तो 1/2 कप मिल्क मैंने पहले डाला था और अभी मैंने फिर से 1/2 कप मिल्क लिया है। ये देखिए हमारा बैटर अब रेडी हो गया है। थोड़ा सा और रेड कलर हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा बैटर जो है वो रेड नहीं दिख रहा, पिंकिश लग रहा है। तो इसमें टोटल 3/4 कप मिल्क यूज़ हुआ है और थोड़ा सा दूध बच गया था। तो अब हमारा बैटर रेडी है तो यहाँ पर हम अपना टिन रेडी कर लेंगे। तो एक मैंने 7 इंच का यहाँ पे केक टिन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और उसे हम अच्छे से टिन में ग्रीस कर लेंगे। तो हमारा केक टिन भी रेडी है। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप लगाइए या फिर आप उसे मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद सेम ब्रश को आप ऊपर घुमा दीजिए ताकि उसमें भी ऑयल लग जाए। तो अब हम अपना केक का बटर इसमें डाल देंगे। सारा बटर हमने अच्छे से इसमें डाल लिया है। अब हम इसे 2 से 4 बार अच्छे से टैप कर लेंगे एयर बबल्स निकलने के लिए। और साथ में ही मैंने गैस पर कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, उसमें एक स्टैंड रखा है और मैंने उसे 10 मिनट तक
लो मीडियम पर गर्म कर लिया था। अब हम इसमें अपना केक का बैटर रख देंगे और ढक कर अब हम इसे लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक बेक कर लेंगे। तो मैंने ये 40 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अभी भी मुझे ये बीच से थोड़ा सा हल्का नरम लग रहा है, तो हम मुझे 5 मिनट और रखेंगे पकने के लिए। तो 5 मिनट के बाद मैंने फिर से ढक्कन हटाया, तो चलिए चेक कर लेते हैं टूथपिक से। ये देखिए हमारा टूथपिक साफ है, हमारा केक अच्छे से पक गया है अंदर से। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हम केक को ठंडा होने देंगे 1 से 2 घंटे तक। हमारा केक बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है और ये देखिए साइड्स भी इसने छोड़ दिए, फिर भी हम थोड़ा सा इसे नाइफ से लूज करके निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसे रिमोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे चाकू की धार से आप साइड से उसे लूज कर लीजिए और निकाल लीजिए। ये बहुत ही ईजिली बाहर आ जाते हैं, ये देखिए। अब हम इस पे का हॉट पेपर भी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी बना है। चलिए अब इसे हम दूसरे प्लेट में टर्न करके सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक कितना सुंदर बना है, एकदम स्पॉन्जी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम इसे अच्छा सा डेकोरेशन कर देते हैं। ये केक मैंने स्पेशली मेरे बेटी के बर्थडे के लिए बनाया है। हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है, तो चलिए हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसके लिए एक बैटर बनाएंगे, जिसे कि हम क्रीम की जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बाटी मलाई ली है घर की, ये मैंने 2 से 3 दिन की मलाई जमा की है। इसे हम अच्छे से बीट करेंगे, उसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए ताकि जो हमारा मलाई है वो और भी स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह से हमें इसे मैश करते रहना है शक्कर के साथ में, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हमें इसे अच्छे से बीट करना है 4 से 5 मिनट, जिससे कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो जाए। ये देखिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम लेंगे अपना केक, ये देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्जी है, दबाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे, इसके 2 हिस्से कर लेंगे। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा और कितना स्पॉन्जी केक बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा केक। तो अब हम नीचे के लेयर पर सबसे पहले दूध से इसको भिगा लेंगे, जिससे कि हमारा केक और भी सॉफ्ट हो जाए अंदर से। तो चारों तरफ हम अच्छे से दूध को अप्लाई कर देंगे इस पर ब्रश की सहायता से। अब हम इस पर डालेंगे हमारा बनाया हुआ बैटर, जिसको हमने मलाई से बनाया था। इसे हम पूरे केक पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ज़्यादा पतली लेयर न लगाएं, इसे आप मीडियम लेयर रखें। अब हम इस पर रखेंगे ऊपर की लेयर केक की। और उसके साइड्स को हम क्लीन कर लेंगे। और सेम बैटर जो हमने मलाई का बनाया है, उसी बैटर को हम अब एक कोन में डाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने स्टार नोजल लिया है, इसमें डालकर हम उस बैटर को ऊपर से डेकोरेट करेंगे, छोटा छोटा स्टार बनाएंगे। और क्योंकि ये व्हिप क्रीम नहीं है, तो इसका शेप थोड़ा सा आपको अलग दिख सकता है। तो इस तरह से आप ऊपर से इसे डेकोरेट कर दीजिए। और हम सेम नीचे भी कर लेंगे, छोटे छोटे स्टार बना लेंगे। तो अब हम उसी मलाई को एक दूसरे कोन पाउच में भरकर
उस पर हम जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने HBD कृष्वी लिखा है, कृष्वी मेरी बेटी का नाम है। क्योंकि ये मलाई है तो इसमें थोड़े बहुत तो लम्स होते ही हैं, आप कितना भी उसे बीट करें। तो अगर बीच में कोन के आपके लम्स आते हैं तो आपसे हाथ से निकाल दीजिए, फिर आप लिखिए। आप बहुत इजीली इससे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको बीच बीच में जो भी उसमें आते हैं उसे निकालना होगा। अब नीचे मैं लिख रही हूँ मेरी बेबी का नाम, ये बहुत ही आसान केक की रेसिपी है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और मलाई से जो हमने इस पर डेकोरेशन किया उसका टेस्ट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ज़रूर से ज़रूर इस केक को एक बार ट्राई कीजिए। और आपको मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। तो ऊपर से हम इस पर थोड़े से गोल्डन बॉल्स डाल देंगे जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेड वेलवेट केक की रेसिपी सिंपल डेकोरेशन विथ मलाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। तो देखिए हमारा केक एकदम रेडी है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है विथ सिंपल डेकोरेशन। तो चलिए अब हम इस केक को काट कर भी दिखा देते हैं आपको। मेरी बेटी ने उस साइड से काटा है बट मैं आप लोग के लिए स्पेशली यहाँ से काट कर आपको अंदर का टेक्सचर भी दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्ज और कितना सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ज़रूर आप इस केक को ट्राई कीजिए। आज की ये रेसिपी देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड टेक केयर।